अतिथिगण, मैं आप सभी के सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे सरस्वती मैया, हे सरस्वती सावर दो, हे सरस्वती मैया, हे सरस्वती मैया, मुझको विद्यालय के श्री अरसिंह जी से भी निवेदन करेंगे। आदरणीय स्वागत करें और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि मतदाताचार्य जी के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पाल 11 आप सभी लोग स्वागत गीत के लिए मंच के पास प्रस्तुत हो जाएं। प्रियंका पाल, कोमल पाल। आप भी उप जिलाधिकारी महोदया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय उप जिलाधिकारी श्रीमती अमृता सिंह जी, तहसीलदार साहब श्री रमेश चंद पांडे जी, स्वीप मीन्स जन जागरण जो मतदाता का चल रहा उसके प्रभारी जमुना पार श्री शेषनाथ सिंह जी, हल्का जो लेखपाल साहब आए हैं वह विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, अभिभावक बंधुओं, आप सबका इस कार्यक्रम में 3 साल के अनुभव में पहली बार है कि हमारे इस क्षेत्र के अधिकारियों का ये दौरा विद्यालय में हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। हम आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। महोदय, ये विद्यालय इस ग्रामीण अंचल का बहुत ही पुराना विद्यालय है। यहाँ पर 1100 बच्चे अध्ययन करते हैं, जिसमें उसमें ये है कि रास्ते का अभाव है। रास्ता यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर मेन रोड है, लेकिन चकमार्ग होते हुए बन नहीं पा रहा है। बहुत ही समस्या है। बच्चे मेड़ से कटे हुए रास्ते से इस विद्यालय में पहुंचते हैं, 9 बजे तक हाजिर हो जाते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से वो भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस पर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये विद्यालय के लिए बहुत कृपा की बात होगी। प्यारे बच्चों, ये मतदाता जन जागरण कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के लोकतंत्र में लगभग 60% मतदान हो पा रहा है। लोग चाह करके भी मतदान करने नहीं जा रहे, इसके लिए उनकी निष्क्रियता दिख रही है। आप सबको यह करना है, जनजागरण करना है, जनजागरण पैदा करना है कि आपके घर में जितने भी मतदाता हैं, इसलिए कि मतदान कर रहे अवश्य जाए, इसलिए कि मतदान करने से सही व्यक्ति का चुनाव होगा और जब सही व्यक्ति चुना जाएगा, सही सांसद चुना जाएगा, सही विधायक चुना जाएगा, प्रधान चुना जाएगा,
जिला पंचायत का सदस्य चुना जाएगा तो निश्चित है कि वह अच्छा कार्य करेगा और गलत लोगों के हाथ जाने से जो हमारे देश में नफरत पैदा करते हैं, जातिवाद पैदा करते हैं, उनके हाथों से देश बच जाएगा, अन्यथा बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। प्रेरित करना है कि वोट अवश्य पड़ना चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, सब लोग ये ध्यान रखें कि 100% आपके घर का वोट पड़ना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मेरे विद्यालय के द्वारा जो जनजागरण रैली जनजागरण अभियान किया जा रहा है ये सफल होगा। बहुत ज्यादा न कहते हुए पुनः मैं अपने अतिथियों का हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ, विद्यालय परिवार की ओर से, अपने छात्र छात्राओं की ओर से। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार का जो भी कार्यक्रम होगा, जब भी अवगत कराया जाएगा हमारा विद्यालय, हम लोग सबसे आगे बढ़ करके उसमें सफलता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ 60% वोटिंग होती है, ये हमारे लिए चिंतनीय है। आजादी के 70 साल बाद भी हम अभी भी अपने लोकतांत्रिक मूल्य को समझने में अक्षम हैं। हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का जब मौका मिलता है तो हम उससे विरत हो जाते हैं। निश्चित रूप से यह चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। आगे निश्चित रूप से हम यह शपथ लेंगे कि अपने परिवार को, अपने समाज को जागरूक करेंगे, उन्हें सचेत करेंगे, उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप जाकर वोटिंग करें। और हमारा जो संकल्प है कि वोटिंग 100% होना चाहिए वह पूरा हो। इसी शब्दों के साथ अपने विद्यालय के हिंदी इस कार्यक्रम के मौके पर अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद सर। सम्मान्य उप जिला अधिकारी महोदय, तहसीलदार जी, नोडल अधिकारी और हमारे विद्यालय के सम्मान्य प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे साथी सहयोगियों और अन्य नागरिकों, प्रिय बच्चों, ये मतदाता जागरूकता अभियान आज हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बावजूद हमें आज जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर जागरूकता आई नहीं क्या? ऐसा नहीं कि जागरूकता आई नहीं, लोग मतदान के लिए बढ़े नहीं। मतदान प्रतिशत धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन जागरूकता मतदान के लिए ही नहीं चाहिए, जागरूकता हमें सही चुनाव के लिए भी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों चीजें दिया। और वोटिंग करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में जब लोग जाकर बैठते हैं तो वहां पे अव्यवहारिक बातें होती हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही तहसील कसाना के मुखिया उप जिलाधिकारी महोदया, परमेश्वरी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, यमुना पार के श्री प्रभारी श्री शेषनाथ सिंह जी, इस विद्यालय के अभिभावक, अध्यापक, छात्र एवं छात्राएं एवं उपस्थित मेरे राजस्व परिवार के सहयोगी, आज बड़े हर्ष का विषय है कि लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी जो व्यापक रूप से होनी है इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लोकतंत्र के बारे में बता दूं कि लोकतंत्र अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने परिभाषा दी है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। तो जो हम लोगों शासन की व्यवस्था है ये हम ही लोगों द्वारा होती है,
और हमारे लिए ही होती है। आप लोग कक्षा में मॉनिटर जरूर सुनते होंगे और वो मॉनिटर ऐसा होता होगा जो सबको प्रिय होता होगा, उसका अच्छा व्यवहार होगा, पढ़ने में ठीक होगा। उसी तरह हम लोग चुनाव के लिए एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, ऐसा प्रत्याशी जिसकी छवि क्षेत्र में अच्छी हो, उसके खिलाफ किसी प्रकार के कोई आपराधिक मुकदमे ना हो और जो आप लोगों की आपके क्षेत्र की भलाई के बारे में सोचे। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, टेलीविजन भी देखते होंगे, आए दिन पेपर में या टेलीविजन में खबर आती रहती है कि फला नेता या फला विधायक बलात्कार के केस में या भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद है, फला नेता को 15 साल की सजा हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि लोकतंत्र में कुछ सदस्य ऐसे जाते हैं जो कुर्सियां तोड़ते हैं, माइक तोड़ते हैं, पेपर फाड़ते हैं, तो ये उसी तरह के नेता हैं। हाथ आगे करके सब लोग एक साथ बोलना है, मैं चुनाव के दिन अपने घर के वो सदस्य जिसका नाम मतदाता सूची में है मतदान करने के लिए भेजूंगा, उसके बाद शेष कार्य होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इस मंच पर उपस्थित विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, तहसीलदार साहब, यमुना पार्क के गृह प्रभारी जी, अन्य उपस्थित राजस्व कर्मी, अन्य उपस्थित गण, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि ये अभियान मतदाता जागरूकता का अभियान है। कुछ बातें प्रिंसिपल साहब ने अपने संबोधन में कही है और जो मैंने भी महसूस की इस विद्यालय को आते समय और उसे प्रिंसिपल साहब ने अवगत भी कराया, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी जो आपने इस विद्यालय तक पहुंचने के मार्ग की समस्या का ध्यान दिलाया है उसको हम जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करा देंगे। और यह मुझे यहाँ पर देखकर और भी अच्छा लगा कि 1100 की स्ट्रेंथ में इन्होंने बताया कि 60% गर्ल्स है और उनकी उपस्थिति भी इस विद्यालय में बखूबी दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस क्षेत्र में इस विद्यालय की सफलता यह दिखा रही है। यहाँ गृह प्रभारी जी से वार्ता हो रही थी, उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम है और यह थोड़ी सी निराशाजनक बात हुई। हम सब इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था बहुत सारी समस्याएं थी, उस समय हमारे सामने गरीबी थी, अशिक्षा थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, सीमा पर बहुत सारे विवाद थे, देश अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था। उन सबको हम उनका समाधान निकालते करते समाज 75 साल व्यतीत हो चुके हैं और हमारा भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। यह इसलिए भी है कि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम अपनी सरकार का चुनाव करते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी और प्राथमिक जो उत्तरदायित्व है यह इस बात का बनता है कि हम अपने मताधिकार का बहुत सही उसका प्रयोग करें, वह धर्म, छाती, क्षेत्र, भाषा, लिंग, इन सबसे ऊपर उठकर, और वह तभी संभव है जब हम निष्पक्ष रूप से वोट करने निकले हैं। और जो 60% मतदान की जो रिपोर्ट आ रही है यह इसलिए भी है कि हम अपने घरों से निकलते नहीं हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ये स्लोगन्स के ले रखे हैं। आपने किसी ने लिखा है पहले मतदान फिर जलपान, यह नारा सार्थक होगा जब अपने घरों पर हम इस चीज को इंश्योर कराएंगे। आप बच्चे हैं, अपने घरों पर अपने अभिभावकों से, अपने माँ बाप से इस बात पर जोर डालिए, उस घर में जो भी मतदाता है वह उस दिन वोट देने जरूर निकले। एक स्थायी सरकार तभी संभव है जब हम अपने मत का पूर्ण प्रयोग करेंगे। यह दिन छुट्टी का दिन ना बने, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो देश के प्रत्येक नागरिक को निभानी चाहिए और ये सारे बच्चे इस बात के लिए मुझे आश्वस्त करें कि अपने घरों पर यह जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं कि इस क्षेत्र में
जो परसेंटेज की कमी रही है उसे आप आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर बढ़ाएं, उसमें हमारा सहयोग करें। एक पीछे स्लोगन है, सारे काम छोड़ दो, आगे का आप बताएं क्या है। लोकतंत्र की सुनो पुकार, वोट डालकर चुनो सरकार। जागरूक देश की एक पहचान, शत प्रतिशत वो मतदान। ये सारे स्लोगन आप ही लोगों ने बनाए हैं और ये बखूबी इस बात का संदेश दे रहे हैं कि ये जो संकल्प है, ये संकल्प ही ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है। तो मेरे साथ ये नारा दीजिए कि इस विधानसभा चुनाव में इस बात को जरूर इंश्योर कराए कि आपके घर से हर व्यक्ति वोट डालने निकले, महिलाएं भी जरूर निकले। जो सारी जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी से बढ़कर एक देश की भी जिम्मेदारी है, एक स्थायी सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, एक अच्छी सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, अच्छे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने की जिम्मेदारी है, उसे बखूबी निभाएं और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी छोटी समस्या पर आपने बच्चों के समक्ष यह बात कही कि रास्ता आपको मिल जाएगा। आज विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित स्वीप के जमुना पार प्रभारी श्री शेषनाथ सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि विद्यालय परिवार और छात्र छात्राओं के बीच में कुछ उससे संबंधित जानकारी दें। ये सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जो भी 18 वर्ष के हो जाएं, 1 जनवरी का आयु पूर्ण कर लें, उनका मतदाता पंजीकरण हो और जिस दिन मतदान हो उस दिन वह वोट देने अवश्य जाएं ताकि 100% मतदान हो। 100% मतदान के लिए स्वीप के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे ज़िले में। जिला माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में कार्यक्रम स्वीप का चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक मतदान हो और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले का सबसे ऊंचा मत प्रतिशत हो, यह प्रयास स्वीप द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज उप जिलाधिकारी कर्चना श्रीमती अमृता सिंह यहाँ पर एक कार्यक्रम, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का यहाँ अध्यक्षता की गई जिसमें तहसीलदार महोदय श्री रमेश चंद पांडे जी भी उपस्थित रहे, जिसमें बच्चों को यह प्रेरित किया गया कि अपने अभिभावक को, अपने रिश्तेदारों को इस तरह से जागरूक करिए कि वो सभी लोग मतदान करने हेतु अवश्य जाएं। आप कहिए कि खाना हम बना लेंगे, अकेले घर पे हम रह लेंगे, लेकिन आप सभी लोग मतदान करने अवश्य जाए ताकि मतदान 100% सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत।